الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين الى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك ला शरीक लक मुहतरम नाजन करामबिलहतराम बुजुर्गों नौजवान भाइयों फ्फत मब मा और बहनों असल वरम वबरकू हज और कुरबानी के इस मखसूस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है हज इस्लाम का बुनियादी सतून है इस्लाम का गैरमूली फरीजा है और हर वो शख्स जिसको अल्लाह रबत ने वत दी है माल की और वहाँ तक पहुँचने की उस पर हज फर्ज है ज़िंदगी में एक बार जरूर इसी तरीके से उमरा की भी गैर गैरमूली फजीलत है गरचे उमरा सुन्नत है लेकिन उसकी भी फजीलत गैर गैरमूली है क़ुरबानी इस्लाम की जान है अम्बिया करामलातम ने अल्लाह के रास्ते में कुरबानियाँ दीं हतरामलातलाम की क़ुरबानियाँ अल्लाह ताली को बहुत पसंद आईं और उनमें से बाज़ को अल्लाह ताली ने अमर कर दिया क़्यामत तक के लिए ये वो पैगाम है क़ुरबानी का पैगाम जो हम तमाम को यह तालीम देता है कि हमें हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए जब सलाहियतों की कुर्बानी देने का मामला हो तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए माल और असबाब देने का मसला हो उसके लिए तैयार रहना चाहिए वक्त देने का मसला हो उसके लिए तैयार रहना चाहिए और जान अजीज अल्लाह तला के रास्ते में देने का मौका आ जाए तो उससे भी पीछे नहीं हटना चाहिए यह हजरत इब्राहिम सातम की जिंदगी से हम तमाम को मिलता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो हजरत इब्राहिम सातम की नस्ल से हैं जो हज़रत इस्माईल सलाम की नस्ल से हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तै के सच्चे और पक्के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि आपली व्लम ख़ातम्लम्बिया सैदुलमरसनी हैं आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है आप सलील ने हमारे लिए जो दीन छोड़ा है वह सारे मसाइल का हल है और रहती दुनिया तक अपने अंदर सारी चीज़ों की रहनमई देता है खुद नबी अकरम सलील वसम की ज़िंदगी कुर्बानियों से इबारत है हमारे लिए पैगाम यह है कि हरत सलाम जो अल्लाह ताली के बरगुजा नबी थे उनको जब कर्बानियाँ अल्लाह तला के रास्ते में देनी पड़ी नबी अक्रम सल्हल्म जो अल्लाह त के सबसे चहेते नबी उनको जब अल्लाह के रास्ते में कुरबानिया देनी पड़ी तो हमको भी अल्लाह तला के रास्ते में क़ुरबानियाँ देनी पड़ेंगी जन्नत कोई आसान चीज़ नहीं है कि ऐसे ही मिल जाए और अल्लाह ताली की जन्नत हमें हासिल हो जाए मोहतरम नाजरन कराम जन्नत हमें हासिल हो जाए मोहतरम नाजुर कराम क़ुरबानियाँ इंसान को करीब करती हैं अल्लाह तला से फरमाया कि सबसे ज़्यादा आजमाइश जिनको हुई और कुरबानियाँ जिनको देनी पड़ी वो अंबिया थे। उसके बाद ताला को महबूब होते हैं उनको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं उसके बाद जो लोग महबूब होते हैं उनको कुरबानियाँ देनी पड़ती हैं अल्लाह ताला ने उनकी आज़माइश की है बंद मोमिन की आज़माइश होती है उसको कर्बानियाँ देनी पड़ती हैं दीन इस्लाम के लिए अल्लाह ताली की रज़ा के लिए जन्नत के हसूल के लिए हमें कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं हम जब बकरा जबा कर रहे हों हम जब कुर्बानी कर रहे हों तो हमारे पास सिर्फ बकरा की कुर्बानी जहन में नहीं होनी चाहिए अपने औलाद की कुर्बानी अल्लाह ताला की बारगाह में उसका जहन में रहना चाहिए अलहती इब्राहिम सातम की सीरत हमारे जहन में होनी चाहिए और नबी अक्रम शाह उसम की सीरत हमारे में होनी चाहिए और आप उसम की कुर्बानियाँ भी हमारे जहन में होनी चाहिए आप सल्ला वसम्लम ने कर्बानियां क्यों दी ताकि दीन हम तक पहुँच जाए नबी अक्रम शाह उसमे कुरबानियां क्यों दी अल्लाह तला का हुम था नबी अक्रम शाह उसम ने कर्बानियाँ क्यों दी ताकि अल्लाह और बजर के कलमा बुलंद हो जाए मोहतरम नाजर ने कराम हम नबी अक्रम शाहम की कर्बानियों पर थोड़ी देर तक आपके सामने गुफ्तु करेंगे नबी अक्रम सल्हलम इस दुनिया में तशीफ लाए और अल्लाह दीन को उन्होंने आगे बढ़ाया तो आप देखें कि उनको तरह तरह से सताया गया ये कौन है यह अल्लाह ताली के नबी हैं आपको रुतबा क्या है आपसे बेहतर न कोई पैदा हुआ न है नयामत तक खोगा आप अल्लाह त चहे नबी और चहेते बंदे हैं आप सल्ला वल् काबा शरीफ में नमाज पढ़ रहे हैं एक आदमी आता है वो एक चादर लेकर के आपके गले में लपेट करके झटका देता है और खींचता है और ऐसा लगता है नवजबिल्ला कि नबी अक्रम का दम घुट जाएगा एक आदमी आता है और नबी अक्रमल्म को तकलीफें पहुंचाता है आपको गालियां देता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ में मौजूद हैं और आपके सहाबा को तकलीफ दी जा रही है आप गुजरते हैं रास्ते से तो देखते हैं किसी को मारा जा रहा है किसी को पीटा जा रहा है किसी के पैर में रस्सी बांध करके घसीटा जा रहा है किसी को तरह तरह से अजियत दी जा रही है आलिया के खानदान को तो तरह तरह से सताया गया लेकिन नबी वसल्लम सल्ह से, से गुजरते हैं तो आप कहते हैं आल यासिर, जन्ना, आल यासिर, तुम सब्र करो तुम्हारा ठिकाना जन्त है मोहतरम नाजर कराम नबी अक्रम सल्हल्ला के सच्चे रसूल थे आप खान काबा में अगर दुआ कर देते कि बार अला सारे मुश्किन काफ्रीन दुश्मनान इस्लाम को खत्म कर दे और दीन मेरा गालिब कर दे तो दिन गालिब हो जाता इसलिए कि आप अल्लाह के सच्चे पक्के नबी थे आपकी दुआ अल्लाह कबूल ताला 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 फरमाता लेकिन अल्लाह इज्जत ने यह कहा कि अः मेरे नबी ये रास्ता आपको नहीं अख्तियार करना है आपको रास्ता जोह मुसलसल का अख्तियार करना है मेहनत मशक्कत का अख्तियार करना है कुर्बानियों का अख्तियार करना है नबी अक्रम सल्है वसलम ने दुआओं के जरिए दीन को गालिब नहीं किया बल्कि उसके रास्ते में क़ुरबानियाँ दी आप सल्ला वसल्म को सताया गया आप सल्ला वो गालियाँ दी गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्हम से खून निकल करके आपकी जूतीयों में इकट्ठा होता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक शहीद किए गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख अनवर से खून निकलता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह से सताया गया तरह तरह से परेशान किया गया एक मुसलसल की पूरी दास्तान है जब तक आप मक्का की सरजमीन और मदीना की सरजमीन में रहे आपको चैन से बैठने नहीं दिया गया हो फिलजन् बिल बिलमक वहफत नार शाहवात जन्नत को घेर दिया गया है परेशानियों से मुसीबतों से और जहन्नम को घेर दिया गया है ख्वाहिशात नफ़ से मुहतरम ने कराम जब हमारे नबी सल्ला वसम जिनके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ थे जो मासूम अनिलखा थे आप सल्ला वसलम को जब इन इतनी कुर्बानियाँ देनी पड़ सकती हैं अल्लाह तला के रास्ते में अल्लाह ताली के दीन के गलबे के सिलसिले में तो हम और आप कहाँ हैं कहाँ खड़े हैं जो गुनाहों में सरापा गुनाहों में जो लतपत हैं जो गुनाहों में दाएं बाएं ऊपर नीचे गर्क है गुनाहों में उनका क्या हाल है उनको जन्नत हासिल करनी होगी तो कितनी मशक्कत करनी होगी इसका एहसास हमको करना चाहिए अनस रजो रिवायत है वो कहते हैं कल रसोल सल्हल् नबी अक्रम सला वसम फरमाया लक़ उजी तो फिल्ला के रास्ते में मुझे तकलीफ दी गई वमायउाहद उतनी तकलीफ किसी को नहीं दी गई वो ओफ़ तो फिल्ला في الله وما व احد مجھے اللہ کے راستے میں ڈرایا گیا دھمکی دی گئی जितना किसी को नहीं डराया गया वत अलिया सलात अलीला मेरे ऊपर तीस रातें ऐसी गुजरी हैं दिन और रात मिला करके मुम्बइि योमिन वल्हा दिन रात मिला करके तीस रातें मेरे ऊपर ऐसी गुजरी हैं वह माली व बिलाया कुल हो दू कब दिन के मेरे और बिलाल के पास कोई चीज नहीं थी जिसको कि कोई इंसान या कोई जरू खा सकता जिसके पास कलेजा हो यानी जिसके पास एहसास हो जिसके पास जिंदगी हो वो खा सके ये इबारत है ये एक ताबीर है फरमाया कि तीस रातें और तीस दिन हमारे पास ऐसे गुजरे कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था अल्लाह अकबर इलाम युवारी बिलाल मगर ये कि बिलाल जो कोई चीज छुपा उपा के रख लेते थे चंद खजूर ये और वो तो इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होती थी जिसको हम खाएं खाने के नाम पर यह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के रास्ते में तकलीफ दी गई परेशान किया गया अल्लाह इज़्ज़त कि पैगंबर खाने की तकलीफ अल्लाह ताला ने में डाला और कुर्बानी ली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी दी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशहूर वाकया है कि आप खाने काबा में तशरीफ रखते थे उकबा बिन अभी मकतूल मौजूद था वहां हजरत अबोबकर उदी अल्लाह ती वहाँ मौजूद थे और इन लोगों ने नबी अक्रमल्लम पर चढ़ाई कर दी और आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की हजरत अब बकर आगे बढ़े और उन्होंने रोका हरत अबू बकरील्ला तुआ का मशहूर जुमला है उन्होंने कहा अतकुल क्या तुम ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो आकुल रब्बी अल्लाह जो इस बात को कहता है कि मेरा रब अल्लाह है अल्लाह मेरा रब है जो इस चीज़ की तालीम देता है और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है और तुम्हें भी बताता है उस शख्स को तुम कत्ल करना चाहते हो मोहतरम नाजर कराम हम कुछ सोचना चाहिए कि नबी अक्रम सल्हलम की जो कुरबानियाँ हैं वो गैर मामूली अहमियत के हामिल हैं और हम और आप कहाँ खड़े हैं अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह की रिवायत है कि नबी अक्रम सल्ला एक मरतबा खाना काबा में नमाज पढ़ रहे थे तो अबू जहल भी वहाँ मौजूद था मलरून उसने कहा अयुकुम अमया फलां कबीले में ऊंट जबह किया गया है उसकी ओझड़ी और उसका जो है वो कौन लाएगा फन तलका उकबा बिन बिन उकबा बिनबा उठा वकाना अश्काहम सबसे बदबक शख्स था वो यहाँ तक कि वो गया और ओझ ले करके आ गया और नबी अक्रम सम के कंधे मुबारक और गर्दन मुबारक पर उसने ला के डाल दिया नबी अक्रम सल्ला वल् सजदे में और आप सर उठा नहीं पा रहे हैं और वह बदबू की चीज़ वो आपके गर्दन पर ला के रख दिया उसने हज़रत फातबादी तहा के बारे में आता है कि उनको इतला हुई वो भागती हुई आईं और उसको किसी तरह से नबी अक्रमल्म के गर्दन से उन्होंने हटाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से अपना सर इत्मीनान के साथ उठाया और उसके बाद अपनी नमाज पूरी की मोहतरम नाजर कराम ये कोई मामूली बात है क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रम सरापर रहमत थे उमा और सल्लह का आलमीन ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्ह सरापर रहमत थे लोगों के लिए खैर सोचने वाले थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मेरी मिसाल उस शख्स की है जो लोगों की कमर पकड़ पकड़ करके जन्नत की तरफ ले जा रहा है जहन्नम से निकालना चाहता है और लोग आग जो कूदना चाहते हैं उसमें जाना चाहते हैं मैं कमर पकड़ पकड़ के उनकी निकाल रहा हूँ मोहतरम नाजराम नबी अक्रम शाह की कुरबानिया गैर मामूली अहमियत की हामिल हैं। अबू जहल ने एक मरतबा नबी अक्रम सल्हल्म को सफा के पास तकलीफ पहुंचा दी और आप सलील वसल्लम की शान में गुस्ताखी की तो उस वक्त हजरत हमजा रजाल ईमान नहीं लाए थे वो आए और उनको जब ये पता चला अबू जहल ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाई है तो आपने कमान से उसका सर तोड़ दिया और उसके बाद कहा कि मैं आज से ईमान लाता हूं अब किसी को मेरे सामने आना है तो आए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगह जगह तकलीफें पहुंचाई गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम के रास्ते में कुरबानियाँ दी मोहतरम नाजन ने किराम वक्त हो गया एक छोटे से वक्फे का इन शक्फे के बाद हम फिर हाजिर होंगे और नबी अक्रमल्हम की कुरबानी के सिलसिले में मजीद गुस्तु करेंगे असल वरम् व मोहतरम ने कराम वक्फ़े के बाद हम फिर हाजिर खदमत हैं नबी अक्रम सलील्ला व्लम की कर्बानियों के बारे में हम गुफ्तू कर रहे हैं नबी अक्रम सलील्ला वसम की कुरबानियाँ गैरमूली हैं हज के मौके पर तो कुरबानी जबीए की होती है और पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं वो ईदाजी के मौके पर कुरबानी करते हैं लेकिन यह कुरबानी एक सिंबल बन कर रह गई है एक अलामत बनकर के रह गई है ये एक सिर रस्म बनकर के रह गई है और जो उसके अंदर रूह है उसके अंदर जो स्प्रिट है उसके अंदर जो जज्बा है हम उसको भूल चुके हैं

के वद के मौके पर जब थोड़ी देर के लिए जंग में अफरा तफरी मच गई थी और मशरकिन ने नुकसान पहुँचाया था मुसलमानों को साहब कर को उस वक्त हालात बहुत नाजुक हो गए थे और नबी अक्रम सलील्हलम के इर्द गिर्द घेरा तंग होता जा रहा था तो आप सलील वम ने जुरात के साथ और बहादुरी के साथ सारे लोगों को इकट्ठा किया और कुछ साहबा ऐसे थे जो नबी अक्रम सलील्ला वसम के दाएँ बाएँ मरदाना वार लड़ रहे थे उस वक्त नबी अक्रमल्लम के दंदा मुबारक शहीद हुए थे आपके चेहरे अनवर पर जख्म आया था तो हजरत आयशा नदी अल्लाह कहती हैं कि अल्लाह के रसूल क्या आपके ऊपर इससे भी सख्त दिन कोई आया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं लकद लकीत मिन कौमी का माँ लकीत तुम्हारी कौम से मुझे जो तकलीफें पहुंची हैं वो तो पहुंची हैं बहुत तकलीफें हैं जो पहुंची हैं वकाना अशद माँ लकीत मिन और सबसे शदीद जो तकलीफ मुझको पहुंची है वो अकबा के दिन पहुंची है इद आरस तो नफसी अला इबन अब्द यालील बिन अब्द किलाल जब मैंने अपने आप को अब्द यालील बिन अब्द किलाल के पास पेश किया कि वो मुझे कुछ सहारा दे कुछ मेरी मदद करे या मुझे पनाह दे फ़लम युजिब नीं तो उसने मुझे जवाब नहीं दिया वो दिन नबी अक्रम सल्ला व्ल् पर बहुत शाख था आप वसल्लम लोगों को दीन पहुंचाने गए थे और लोगों ने आप पर पत्थर की बारिश की थी फ़न तलख तू वह अना महमूमन तो मैं चला और मैं काफ़ी गमगीन था वह अना महमूमन अलावज ही और मैं काफ़ी गमगीन था काफ़ी दिल गिरफ्ता था फलम अस्तफ़िक मुझे कोई चैन नहीं आया मुझे कोई आराम नहीं मिला वह आना बर ताल करनिब एक जगह है मैं वहां पर था रफातरासी मैंने अपने सर को ऊपर उठा करके देखा फईदा अना कद अजलतनी तो मैंने देखा कि एक बादल का टुकड़ा है जिसने मुझे साया कर रखा है फायदा फिहा जबरील उसमें जबरील मौजूद थे और उन्होंने कहा कि पहाड़ का फरिश्ता मौजूद है अल्लाह ताला ने पहाड़ के फरिश्ते को भेजा है आप हुक्म दीजिए कि आबादी ने आपके साथ बड़ा गलत सलूक किया है आप उनकी आखबत के लिए वहां गए थे आप उनके फायदे के लिए वहां गए थे और उन्होंने आपकी शान में गुस्साखी की और आपको तकलीफ पहुँचाया और आपको पत्थर मारे आपके जिसमे अतःर से खून निकला आप हुक्म दीजिए ये पहाड़ का फरिश्ता हाजिर है आबादी को पीस करके रख देगा और इसमें कोई आदमी ऐसा नहीं है जो बाकी रहने के काबिल हो सबों ने आपके साथ नाजेबा सलूक किया है और आपके साथ जो हरकत की है इस ज़मीन पर यह ज़िंदा रहने के लायक नहीं है नबी अक्रम सल्हलम चूंकि पर रहमत थे सारे कायनात के लिए आप सल्ला वसम ने फरमाया कि नहीं नहीं ये मामला मत करो ये नासझ हैं इनको समझ नहीं है कि इन्होंने मेरे साथ जो मामला किया है मैं उम्मीद रखता हूँ कि इनकी जो नस्ल आएगी इनके बाद जो इनकी ज़रूरियत होगी वो लजीज ईमान लाएगी बुखारी मुस्लिम और नसई में ये पूरा वाकया तफसील के साथ मौजूद है नबी अक्रम सल्हम ताइफ में तशीफ ले गए थे तो आपको मालूम है कि वहाँ पर आबाशों को गुंडों को बदमाशों को आपके पीछे लगा दिया गया था आप सल असल्लम उन्हें अल्लाह की दावत दे रहे थे अल्लाह तला की तरफ बुला रहे थे जन्नत की तरफ बुला रहे थे अल्लाह की रहमत की तरफ बुला रहे थे और वो लोग आप पर पत्थर मार रहे थे पत्थर आपके जिसम पर लगता था और जिसम के मुख्तलिफ हिस्सों से खून निकलता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसम से खून निकल करके जूतियों में इकट्ठा हो रहा था यह कुर्बानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के दीन के गलबे के सिलसिले में देनी पड़ी हज़रत अबू तालिब का जब इंतकाल हो गया तो मुसीबतें और तेज़ हो गई और यही वो साल है कि जिसमें आपकी रफीक हयात हमारी माँ हैत खदीजा रजील्ला तहा का भी इंतकाल हुआ इसीलिए इस साल का नाम आमुल हुज़्न पड़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल का नाम गम का साल रखा था इसलिए कि एक तरफ तो हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हो गया था जो आपके चचा थे और आपको बहुत सपोर्ट मिलता था उनसे और दूसरी तरफ आपकी रफीक हयात हमारी माँ हजत खदीजा रजील्ला का भी इंतकाल हो गया था तो आप बनू सकीफ की तरफ गए और आपको मालूम है कि बनू सकीफ की तरफ जब आप गए तो वहां पर आपको तकलीफ दी गई तो आपने कुछ लोगों से पनाह मांगी और कुछ लोगों से मदद की अपील की तो एक आदमी ने यहाँ तक कहा आजिज अल्लाह सिलाई गैरक क्या अल्लाह रब आज हो गया है या अब उसके पास इतनी सकत नहीं है कि वो किसी और को नबी बनाए आप ही को नबी बनाना था आप देखें इसका जो टोन और टेम्पर है इस जुमले का वो गैर मामूली है नबी अक्रमल्म की तोहन आप की तजलील ऐसे उस से की गई कि गोया कि आप ही को नबी बनाना था कोई और नबी के लिए नहीं था नौजमिल्ला तरह तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी अजियत भी दी गई जहनी अजियत भी दी गई लेकिन आप सल्ह ने दीन इस्लाम के लिए ये कुर्बानियाँ दी दो तरफ सफ़े लगाई गई नौजवान और बाश रखे गए और जब नबी अक्रमल्ब उधर से गुजरे तो पत्थर की बारिश आप पर की गई और नबी अक्रम सहान हो गए मोहतरम नाजर ने कराम की एक मशहूर रवायत है फरमाते हैं नबी सल्ह्स कुरत रुबाइत हो नबी अक्रम सल्हल के दंदाने मुबारक शहीद किए गए वाहद वहद के दिन वह शुरा रासू और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में जख्म आया फजा عن अन तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे पर नूर से खून को पोंछ रहे थे वह अकोल और वह कहते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर जुमला है कैफ फया कौम कैसे वो कौम कामयाब होगी शज्जु नबीम जिन्होंने अपने नबी के सर को तोड़ा वह कसरवात हो और उसके दंदाने मुबारक तोड़े वैदर मिल्ला दरा हाले कि नबी उनको अल्लाह ताला की तरफ बुला रहा है बुखारी मुस्लिम और तिरमज़ी में रवायत मौजूद है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में भी जख्म आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदा मुबारक शहीद हुए और आपके चेहरे पर ज़ख्म आया मोहतर नाज़रीन ने कराम ये सारी रवायतें इस बात को बताती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के लिए इस्लाम के लिए उसके गलबे के लिए कितनी बड़ी क़ुरबानियाँ दी हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गज़ब खंदक में क्या करना पड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चढ़ाई की गई और सारे जो कबीले थे और सारे जो जमातें थी वो सब यका करके नबी अक्रम अलैहि वसल्लम पर चढ़ाई करने के लिए आम थी नबी अक्रम वसल्लम खंदक में हैं और मेहनत कर रहे हैं मशक्क़त कर रहे हैं सारे लोगों के साथ पत्थर तोड़ने में खंदक खोदने में आज तक पूरी दुनिया बांझ है ऐसा सरबरा किसी ने देखा कि नबी अक्रम वसल्लम जैसा सरबरा कि आप सारे सहाबा के साथ बिल्कुल आम सहाबी जो काम कर रहा था नबी अक्रम वसल्लम वही काम कर रहे थे एक साहबी आए है उनका अल्लाह के रसूल मैं अब काम नहीं कर सकता मुझे बहुत भूख लगी है मैंने एक पत्थर बांध लिया है ताकि भूख को बर्दाश्त कर सको लेकिन अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है नबी अक्रमल्ला ने कमाल तहमुल के साथ सुना उसके बाद आप सल्लाम ने अपनी चादर मुबारक उठाई वहाँ दो पत्थर बधे हुए थे साहबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल इससे बेहतर अंदाज से मैं काम करने के लिए तैयार हूँ मैं बहुत मुतमिन नबी वसल्लम की ये हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी हिजरत के मौके पर बहुत वाजे होकर के हमारे सामने आती है आप बताइए वो हस्ती जिससे बेहतर न कोई पैदा हुआ ना है न क्यामत तक होगा आप सादिक थे आप अमीन थे आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं आया आप मक्का की सरजमीन में नबी होने से पहले कोई उंगली रख करके आप पर यह नहीं कह सका कि आपने फला गलती की है आपके पास अमानतें लोगों की मौजूद थी आपकी क्या गलती थी आपका क्या जुर्म था कि आपके घर को लोगों ने घेर रखा था और ऐसा वैसा नहीं घेरा था जितने भी कबीले के बड़े सरदार थे जितने भी कबीले के लोग थे और जितने कबीले थे उनका एक एक नुमाइंदा मौजूद था और ऐसा नुमाइंदा जो तलवार चलाए में माहिर हो और जो मजबूत और जवान साल हो उस शख्स को नुमाइंदगी के तौर तो पर दिया गया था कि एक मरतबा तलवार से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करें और एक मरतबा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम हो जाए नऊज ताकि अपने मनाफ किससे किससे लेगा सारे लोग घर घेरे हुए हैं जिनकी अमानतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद हैं जो सादिख हैं जो सच्चे हैं जो लोगों के काम आने वाले हैं कभी किसी को बुरा भला तक नहीं कहा सबके काम आते रहे सरापा रहमत थे घर हुए आप सल्लाह के पक्के और खाक ली और अंधे हो गए उनको नजर नहीं आ रहा था आप सामने से गुजर गए और आप सल्ला को हिजरत करनी पड़ी आप हिजरत कर रहे थे और मुड़ मुड़ करके काबा की तरफ मुड़ मुड़ करके मक्का की तरफ देखते थे और कहते थे मक्का तू मुझे कितना अजीज है मेरी जवानी तेरे दरमियान गुजरी है मेरा बचपन तेरे दरमियान गुजरा है अगर ये लोग मुझको ना निकालते तो मैं ना निकलता मोहतरम नाजन कराम क्या क्या, क्या, क्या कुर्बानियां नबी अक्रम सल्हलम ने नहीं दी गार में हैं हिजरत के लिए निकले हैं अभी वहां पड़ाव डाले हुए हैं नबी अक्रम की हमत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मंसूबा आप पर ख़त्म है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिजरत आपका सफरे हिजरत है वेल प्लान्ड था यानी बंदी और माइक्रो प्लानिंग उस पर ख़त्म थी नबी अक्रमल्ला वसमारे सौर में हैं वहाँ पहुँच जाते हैं मुश्किन और क्या क्या आपके साथ किस अंदाज से पेश आते हैं और किस अंदाज से आपको ढूंढते हैं और किस अंदाज़ से चढ़ाई आप पर करते हैं लेकिन आप सल्ला ने हजरतर से कहा घबराओ नहीं ये हमको पा नहीं सकते इसलिए कि अल्लाह रवि हमारे साथ मुहतरम नाजि ने कराम ये कुरबानी महा सिर्फ़ जानवर जबर करके गोश्त खाने की कर्बानी नहीं है बल्किबानियाँ पूरी ज़िंदगी से एवारत हैं हज़रत इब्राहिम और नबी अक्रमशरम की कुरबानियाँ हमारे लिए नमूना हैं अल्लाह हम तमाम को इनकी रोशनी में अपनी जिंदगी का सफर आगे बढ़ाने की तोफीक़नाथ फ़रमाए अकुल कोलिहादा अस्तर उजमाइन वस्तक फरून ग्रहीम व आखर उदमानल्ही वरक